एक शादी समारोह में घराती और बारातियों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला सुल्तानपुर क्षेत्र के नौताड़ा मालियान गांव में एक शादी समारोह का है, जहां बारात में आए रिश्तेदार भोजन व पुरानी रंजिश की बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए। इस विवाद में रिश्तेदारों ने दूल्हे के पिता के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गए और उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। मारपीट में घायल हुए पीड़ित ने सुल्तानपुर थाने में एक महिला समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। विवाह समारोह में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। अचानक विवाह कार्यक्रम में हुई इस घटना के बाद समारोह में अफरा तफरी मच गई। थाना प्रभारी छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि फरियादी जुल्फिकार अली पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी नौताड़ा मालियान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 26 नवंबर को नौताड़ा मालियान गांव में उसके बेटे की शादी थी, जहां रात्रि करीब 11:30 बजे विदाई कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान वहां मौजूद उसके रिश्तेदारों ने भोजन व पुरानी रंजिश को लेकर पीड़ित के साथ लात घूसों से मारपीट की और गला तक दबा दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में पीड़ित को सुल्तानपुर चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां से छुट्टी होने पर शनिवार को पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी ने आरोपियों पर मारपीट के दौरान उसकी जेब में रखे 1,90,000 रुपये भी चुरा कर ले जाने का आरोप लगाया है। इस पर सुल्तानपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में जांच अधिकारी ASI नंदलाल सैली ने बताया कि मारपीट का वीडियो और शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।